नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के बारे में। आपका दोस्तों ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आपको दोस्तों पूरी जानकारी देने वाले हैं भाई एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर के बारे में। आपकी गाइस क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या है भाई, आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस और गाइस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है आपका। आपकी बार आपके दोस्तों ए टू जेड भाई सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो की बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो भाई, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपका जैसे मैं लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस चलते हैं भाई नेक्स्ट पेज पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए भाई एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2020, आपको दोस्तों इस साइट के ऊपर भाई आ जाना है सरकारीरिजल्ट.com, अगर आप दोस्तों खुद से चेक करना चाहते हो तो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म, तो मैं यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया है और दोस्तों ऊपर देखिए नेम ऑफ पोस्ट एसएससी सीपीओ एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2020। आपकी दोस्तों पोस्ट डेट भाई यहाँ पे देख लीजिए 17 जून की है। और गाइज यहाँ पे देखिए भाई इंपोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन बिगिन 17/6/2020 से आप दोस्तों फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मतलब आपके दोस्तों जो फॉर्म है भाई ऑनलाइन फिलअप होने स्टार्ट हो रखे हैं। लास्ट डेट की दोस्तों हम बात करें आपकी 16/7/2020 है। ठीक है, और गाइज यहाँ पे देखिए लास्ट डेट फीस पेमेंट की दोस्तों बात करूं मैं 18/7/2020 है आपकी दोस्तों लास्ट डेट ऑफलाइन पेमेंट। अगर आप दोस्तों अपनी फीस को गाइज ऑफलाइन पेमेंट करते हो तो आपकी जो लास्ट डेट है भाई 22/7/2020 की रखी गई है। दोस्तों हम बात करें आपके एग्जाम डेट के लिए 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक दोस्तों आपका पेपर होना भाई इसी साल में। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप। एग्जाम डेट पेपर सेकंड की दोस्तों मैं बात करूं 1/3/2021 होगा जब आपका सेकंड पेपर होगा भाई इसमें। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए एप्लीकेशन फीस, आपकी दोस्तों फीस की मैं बात करूं अगर जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस मांगी गई है, और दोस्तों एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं भाई, आप इस फॉर्म को बिना फीस पे किए फिलअप कर सकते हो। ऑल कैटेगरीज फीमेल भी भाई इसमें फ्री रहेंगी। ठीक है, आप दोस्तों अपनी फीस को भाई नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, यहाँ पे उन्होंने गाइस साफ साफ मेंशन किया हुआ है, या फिर आप ऑफलाइन भी अपना जो फीस पेमेंट कर सकते हो बैंक में जाके। गाइस यहाँ पे देखिए भाई बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, आपकी दोस्तों यहाँ पे मिनिमम एज मांगी गई है 20 साल। आपकी दोस्तों 20 साल मिनिमम एज होनी चाहिए भाई, मैक्सिमम आपकी 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। 25 साल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और दोस्तों इसमें एससी एसटी को भाई अलग से छूट दी गई है 5-5 साल की। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन, अगर दोस्तों हम बात करें आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, दिल्ली सब इंस्पेक्टर की दोस्तों हम बात करूं, अगर आप दोस्तों दिल्ली सब इंस्पेक्टर का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, आपके पास दोस्तों बैचलर डिग्री इन एनी सर्टिनी विद ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए भाई, साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना भी बहुत अनिवार्य है। दोस्तों हम बात करें अदर पोस्ट के लिए, अगर आप दोस्तों दिल्ली पुलिस को छोड़ के अगर आप किसी और में सीआरपीएफ या फिर बीएसएफ आईटीपी में भरना चाहते हो भाई, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो भी चलेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर दोस्तों आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर मांगा गया है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हम दोस्तों बात करें आपके नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, आपकी दोस्तों टोटल पोस्ट भाई 1,564 टोटल पोस्ट है आपकी। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए भाई काफी अच्छी आपके पास दोस्तों पोस्ट दी गई है भाई यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे गाइस चलते नीचे भाई, बात करें भाई आपके फिजिकल के बारे में, फिजिकल पीएसटी के बारे में, फिजिकल किस प्रकार से होना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए जेंडर मेल के लिए दोस्तों हम बात करें, मेल में गाइस जनरल ओबीसी एसटी, जो अगर मैं हाइट की बात करूं भाई, आपकी जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 5'7". ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करें हम मेल एसटी के लिए, जो भी गाइस एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो भी दोस्तों फीमेल होते हैं भाई, जो लड़कियां होती हैं, जो अगर आप जनरल ओबीसी ऐसे किसी भी कास्ट से बिलोंग करती हो, आपकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो फीमेल जो एसटी से बिलोंग करती है उनकी जो हाइट है 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी इसमें। आगे दोस्तों बात करें चेस्ट के लिए भाई, आपकी चेस्ट भाई 80-85 इसमें होनी चाहिए। और गाइज मेल के लिए गाइज एसटी के लिए गाइज 77-82 होनी चाहिए। और अगर हम बात करें फीमेल के लिए, आपकी दोस्तों इसमें चेस्ट मापी नहीं जाएगी, आपको इसमें पास कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें रेस के लिए, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, मेल के लिए बता रहा हूँ भाई, यहाँ पे 100 मीटर आपकी रेस होनी है 16 सेकंड में एक बार। और फिर गाइस बाद में देख लीजिए यहाँ पे क्या है भाई, लॉन्ग जंप आपका 3.65 मीटर होना है, हाई जंप आपका 1.2 मीटर होना है, शॉर्ट पुट जिसको हम गोले चलाने में बोल देते हैं आपका दोस्तों वो 4.5 मीटर होना है। चांसेस आपको गाइस 3 मिलेंगे यहाँ पे, अगर आप 3 चांसेस में इन सबको पार्ट्स को पूरा कर लेते हो तो सही है भाई, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब हम बात करें गर्ल्स के लिए, आपकी यहाँ पे 100 मीटर रेस होनी है जो आपको क्लियर करनी है 18 सेकंड में, और आपका जो लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर रहने वाला है, हाई जंप आपका 0.9 मीटर रहने वाला है, शॉर्ट पुट आपका इसमें होगा नहीं। जो भी गर्ल्स हैं चांसेस आपको यहाँ पे 3 दिए गए हैं, जिस चांस आपको यहाँ पे 3 मिलेंगे, जैसे कि मेल को मिले उसी प्रकार से लड़कियों को भी चांस मिलेंगे यहाँ पे 3 चांस। 3 चांस में अगर पूरा करते हो इन सब चीजों को आप, तो या आप पास हो वरना आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन, आप दोस्तों इस साइट के ऊपर आके भाई आराम से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैं दोस्तों आपको कुछ ही देर में भाई आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा,
आपके फॉर्म के ऊपर आपको फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करना, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि गाइज मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं भाई वो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए इस वीडियो वाला, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन आपको दोस्तों चलते हुए नोटिफिकेशन में एक बार आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका गाइज यहाँ पे देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और गाइज चलते नीचे भाई आपकी पोस्ट दी गई है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए कोड नंबर 1 SC ST को दोस्तों 5 साल की छूट है भाई यहाँ पे, OBC को 3 साल की है, XC में गाइस 3 साल की छूट दी गई है, आराम से दोस्तों देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, जो गाइस आपके मेन मेन पार्ट्स है आपको मैं भाई वो बता देता हूँ एक बार, और गाइस जैसे एक बार चलते हैं थोड़े नीचे और चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में एक बार दोस्तों, यहाँ पे देखिए पेपर 1 डेट ऑफ एग्जामिनेशन पार्ट सब्जेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स टाइम ड्यूरेशन। टाइम की दोस्तों मैं बात करूं भाई 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा, आपसे दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस 50, ध्यान दीजिएगा आपसे दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 भाई, जो कि 50 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज के भाई आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 भाई, जो 50 नंबर के होंगे। आपका जो मैथ है भाई वो 50 नंबर का आने वाला है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका दोस्तों 50 नंबर का आने वाला है भाई। आपका जो फर्स्ट पेपर गाइस 200 नंबर का होना है भाई, इसका टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे के लिए ओनली। आपका गाइज नेगेटिव मार्किंग इसमें भाई रहने वाली है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए दोस्तों 0.25 के भी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भाई यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें पेपर सेकंड के लिए गाइज, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1/3/2021 को होना है पेपर आपका, आपको पता भी होगा मैंने पिछले बता दिया आपको। और दोस्तों यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका दोस्तों रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, जो कि गाइज आपका आएगा 200 नंबर का भाई, टाइम मिलेगा 2 घंटे के लिए आपको। आपका दोस्तों ये एग्जाम पैटर्न था भाई, आराम से आप देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देख लीजिए, अगर आपको समझ में बात कुछ नहीं आ रही है तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। आपको फिर भी कुछ डाउट लगे हाँ मुझे कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हो भाई, ये चैनल आपका है आपको सपोर्ट करना है, सो प्लीज जितना उसके सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और गाइज बात करें सिलेबस के बारे में भाई, आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये भाई आपका सिलेबस था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपको फिर भी कुछ डाउट लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपका भाई कुछ सजेशन हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल में पहली बार आए हो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका दोस्तों कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।